हाय फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW और WWE दोनों ही एक बड़े खतरे की चपेट में आ चुके हैं, वो भी खतरनाक वायरस की चपेट में। जैसा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये आप सब अच्छे से जानते ही हैं, बट आज मॉर्निंग में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई जो शायद आपको भी परेशान कर सकती है, इस पर नज़र डालेंगे। वहीं WWE द ग्रेट अमेरिकन बैश इवेंट को फिर से वापस ला रही है, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से जो कि जुड़ी हुई है द ग्रेट अमेरिकन बैश से। अगर आप WWE काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपने इसी PPV का नाम जरूर सुना होगा। काफ़ी टाइम ये PPV WWE में होता रहा है, बट WWE ने एक टाइम के बाद इस PPV को लिस्ट से हटा लिया था। अब WWE फिर से इस इवेंट को वापस लेके आई है, बट ये हमें NXT में होता दिखाई देगा। ये इवेंट 2 वीक का होगा जो कि 1 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 को होता दिखाई देगा। WWE ने NXT से इस इवेंट के लिए 3 बड़े मैच भी अनाउंस कर दिए हैं। अब क्वेश्चन ये भी सामने आता है कि क्यों WWE को जरूरत पड़ी इस पुराने नाम से इवेंट को फिर से वापस लाने की। तो आप सभी को बता दूं, NXT का द ग्रेट अमेरिकन बैश इवेंट AEW के द फाइटर फेस्ट से क्लैश करने वाला है। AEW काफ़ी पहले फाइटर फेस्ट का ऐलान कर चुकी है, जिसके बदले में WWE ने NXT में इस इवेंट को कराने का डिसीजन लिया। अब जाहिर सी बात है कि दोनों ही ब्रांड में रेटिंग को लेकर पहले से ही मारामारी हम देखते हैं। अब कौन इस इवेंट में किसको मात दे के आगे निकल पाता है वही देखना होगा इस इवेंट में। वहीं अब बात आती है वायरस की, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में ही हैं और उसके बावजूद AEW और WWE जैसी कंपनी अपने शोज भी रन कर पा रही हैं। अब दोनों ही कंपनी काफ़ी अलर्ट रहती हैं, बट ये वायरस है ही ऐसा, जरा सी चूक और आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। और कुछ ऐसा ही अब WWE और AEW के साथ हो चुका है, दोनों कंपनी इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। दोनों ही कंपनी अपने यहाँ स्टार की टेस्टिंग करा रही हैं। इसी दौरान WWE में कुछ पॉजिटिव मिले हैं, बट इनमें से एक नाम ऐसा सामने आया है जिसमें WWE और AEW दोनों को हिला दिया है। WWE में रैने यंग पॉजिटिव मिली हैं और आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि रैने यंग AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली की वाइफ हैं। दोनों एक ही साथ ऑफकोर्स घर में रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये खतरा जॉन मॉक्सली पर भी बन गया है। और यही वजह रही कि AEW ने आज की रात जॉन मॉक्सली को शो से हटा दिया और खुद मॉक्सली ने भी अपनी वाइफ के पॉजिटिव आने के बाद शो करना सही नहीं समझा। अब ये बहुत बड़ी टेंशन दोनों कंपनी के लिए हो गई है। रैने यंग WWE में काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं, कमेंट्री टेबल पर, बैकस्टेज सुपरस्टार के इंटरव्यू और रिसेंट में ही बैकलैश PPV से पहले और उसके बाद वाले के एपिसोड में वो डैनियल ब्रायन और AJ स्टाइल के साथ सेगमेंट में भी दिखाई दी थी। अब ये बात वाकई प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है, क्योंकि WWE और AEW चाहे कितना बच लें वायरस इनके यहाँ भी घुस चुका है। अब रैने यंग जॉन मॉक्सली की वाइफ हैं, तो हो सकता है कि ये AEW में भी पहुंच चुका हो, बट उम्मीद करते हैं मॉक्सली इसकी चपेट में ना आए हों और रैने यंग जल्द से जल्द इससे रिकवर हो पाएं। रैने यंग ने एक ट्वीट भी करा और कहा कि मेरे शोज कैंसिल हो गए हैं, हाथ धोएं और सेफ रहें। वहीं कुछ दिन पहले ही फॉक्स ने WWE बैकस्टेज शो को कैंसिल कर दिया था। अब लगता है कि शायद फॉक्स ने इसी वजह से इसको कैंसिल करा होगा, क्योंकि रैने यंग इस शो के मेन रोल में दिखाई देती थी। वाकई परेशान करने वाली खबर है। वहीं जॉन मॉक्सली की बात करें तो AEW के शो फाइटर फेस्ट में उनको अपना टाइटल ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड करना था। अभी तक शायद मॉक्सली का टेस्ट हुआ नहीं है, और अगर हो चुका होगा तो शायद रिपोर्ट नहीं आई है। बट जो भी हो, AEW की चिंता भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ये मैच कहीं कैंसिल ना हो जाए। अब हो जाए तो हो जाए, सुपरस्टार की सेफ्टी सबसे पहले है, मैच तो फिर कभी भी देखने को मिल जाएगा। वहीं AEW की चिंता इस बात को लेकर की भी होगी कि अगर जॉन मॉक्सली पॉजिटिव निकलते हैं तो उनकी कंपनी में किन किन लोगों को खतरा होगा। वैसे बताया जा रहा है कि AEW भी अब सुपरस्टार की टेस्टिंग करा रही है। आप सभी भी अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से निकलें, बाहर से आके अपने हाथ फेस अच्छे से धोएं और टाइम टाइम पे हाथ को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब देखते हैं मॉक्सली की रिपोर्ट में क्या आता है। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।